स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल शाहिद आज़मी लाइव पर। जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी आपको बताया कि महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है, सभी स्तब्ध हैं। हमारे साथ भारत के जाने माने वरिष्ठ खेल पत्रकार राजेंद्र सजवान जी हैं। आज उनसे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि फुटबॉल पे बहुत बारीकी से निगाह होती, बहुत ही कम भारत के ऐसे पत्रकार हैं जो इतना करीब से फुटबॉल पे निगाह रखते हैं, फुटबॉल के बारे में जानते हैं। सजवान साहब आपका बहुत बहुत खैरमकदम है। नमस्कार सर। पेले का जाना कितना खला पैदा कर गया फुटबॉल के लिए? देखिए, पेले का जाना एक इतिहास का जाना, एक सदी का जाना मेरे लिहाज से ऐसा है, क्योंकि मैं हल्का फुल्का छोटा मोटा फुटबॉलर मैं भी रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि फुटबॉल की दुनिया में पेले अपने आप में क्या अहमियत रखते थे। वो अहमियत तो रखते ही थे, लेकिन दुनिया उन्हें पूछती थी। और जहाँ तक अगर हम मेरी राय के बारे में पूछेंगे, किसी भी खेल के, दुनिया के कोई भी खेल हो, उसका जो श्रेष्ठ खिलाड़ी है वो सिर्फ पेले ही हो सकता है। हर खेल के अपने अपने स्टार होते हैं। हमारे ध्यानचंद जी हॉकी के हैं, ब्रैडमैन हैं, मार्क स्पीच स्विमिंग के थे, लेकिन जो क्लेब जो तेवर पेले के थे, जो पेले को लेकर जो उत्साह दुनिया भर में था, वो शायद किसी दूसरे खिलाड़ी का रहा हो। उसने 3 वर्ल्ड कप जिताए हैं, जैसा जी जी 1958, 62, 70 जिस तरह उसका कैरियर रहा, थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा उनके बारे में बताएं और लोग जानें कि वाकई पेले था कौन। देखिए, आप लोगों ने या मैंने भी पेले को खेलते हुए नहीं देखा, कुछ एक एग्जीबिशन मैच मैंने देखे हैं उनके, जैसे कलकत्ता में एक बार आए थे वो, तो वो बहुत थोड़ा बहुत खेले थे, एक किसी क्लब के लिए खेले थे वो तो। लेकिन पेले जो खिलाड़ी थे, उनके जैसे क्लेवर, मतलब उनके जैसे जो जो करियर रहा है, सफल करियर, वो शायद माराडोना का हो सक कह सकते हैं आप, क्योंकि माराडोना के टाइम में भी फुटबॉल वो अकेले स्टार थे वहाँ के और खूब मार खाते थे वो ग्राउंड के अंदर। लेकिन पेले ने जो 3 वर्ल्ड कप जीते हैं ब्राज़ील के लिए, मर मर के, गिर गिर के, मतलब डिफेंडर उनको इतनी बुरी तरह से सताते थे। आज तो रेफरी है, आपके पास वीडियो लगी है, वीडियो कवरेज हो रही है सब कुछ, उस टाइम कुछ नहीं था, लेकिन जो थोड़ा बहुत उसमें फोटोग्राफ्स में नज़र आता है, तो पेले को, मतलब जो बॉल उनके पास आई वो अगर मूव बॉल को लेके चलते थे तो 3-4 डिफेंडर उनके पीछे भाग रहे हैं, कोई मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी वो गोल करते थे। और यही कारण है कि उन्होंने लगभग 1300-1400 गोल किए हैं अपने करियर में, अंतर्राष्ट्रीय करियर जो उनका रहा है। तो बहुत बेहतरीन प्लेयर थे वो, प्लेयर क्या, लोग उनको जादूगर कहते थे, इसीलिए कहते थे। आपने मेसी को देखा होगा, मेसी पेले का एक पार्ट हो सकते हैं, कुछ परसेंट मेसी पेले की बराबरी पे हैं, लेकिन ये कहना कि पेले को कोई छू तक नहीं सकता है, पेले बहुत ऊपर हैं, माराडोना थोड़ा उनसे नीचे। माराडोना ने भी वर्ल्ड कप में कुछ ऐसे गोल किए थे जैसे पेले ने किए थे, लेकिन पेले जैसा, खैर अपने जीवन में हमने तो पेले जैसा प्लेयर कोई दूसरा नहीं देखा है। किलियन एम्बापे ने ट्वीट किया, बोला कि आप फुटबॉल के किंग थे, बादशाह थे, आपकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे जिस तरह आपने खेला था। वर्तमान जिस तरह फुटबॉल चल रही है, क्या कोई ऐसा लगता है खिलाड़ी जो उनके नक्श कदम पर दिख रहा है? देखिए, ये कहना बड़ी बात होगी, एम्बापे ने अगर लिखा है कि आपकी विरासत को कोई आगे ले जाएगा, तो इसका मतलब है वो कॉन्फिडेंट है खुद से कि वो पेले की विरासत को आगे ले आ सकता है। और वाकई फ्रांस का ये लड़का जो है बहुत प्रतिभाशाली है पेले का। और उसमें सिर्फ फ़र्क क्या है कि पेले बॉल को पैर पे रखते थे, बहुत ड्रिबलिंग करते थे, ड्रिबलिंग के साथ डिफेंडर्स को छकाते थे, और एम्बापे बॉल फेंकता है और फिर उसके पीछे चील की तरह दौड़ता है। तो पेले का अगर उत्तराधिकारी कोई हो सकता है तो मुझे भी लगता है कि एम्बापे में वो गुण हैं, और उसने करके भी दिखाया। पेले जैसी उम्र में वर्ल्ड कप जीते, 2 वर्ल्ड कप खेल चुका है, और हो सकता है आगे भी वो फ्रांस के लिए बहुत कुछ उपलब्धियां अर्जित करेगा, अपने लिए भी अर्जित करेगा, और गोलों की संख्या जो उसकी है वो बहुत ऊपर जाने वाली है। शायद पेले को बराबरी तो वो कर सकता है वर्ल्ड का, एम्बापे जो है। सजवान साहब, आखिरी सवाल पूछूंगा जी। हमने तो पेले को खेलते हुए नहीं देखा, ना एग्जीबिशन में देखा, ना रूबरू उनके हुए। आप तो रूबरू हुए हैं, एग्जीबिशन में देखा भी उनको, उनको देख के जब पहली बार उनके रूबरू हुए थे, कैसा फील हुआ था उस खिलाड़ी के सामने? देखिए,
मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आस्था है किसी के प्रति, किसी भगवान के प्रति, किसी हमारे खुदा हैं, कोई हमारे बहुत रोल मॉडल हैं, उनको देखते हैं तो हमें एक दिन एकदम हमें लगता है अरे भाई हमें तो आज जो हमारी चाहत थी वो पूरी हो गई। तो पहले को देखना कुछ ऐसा ही था। आज अभी जो वर्ल्ड कप आपने देखा, मैसी को लेकर किस कदर उत्साह था, उसको उसकी एक झलक देखने के लिए दुनिया मरी जा रही थी। जो हमारे जैसा कंट्री जहाँ फुटबॉल तो मतलब ये कह सकते हैं कि फुटबॉल है ही नहीं हमारे पास, तो हमारे जैसे कंट्री में एक लाखों करोड़ों लोग जो पेले के पीछे या सॉरी मैसी के पीछे भाग रहे हैं उसकी झलक देखने के लिए, उसकी फ़ोटो देखने के लिए टीवी पे, तो पेले तो कोई ऐसे नहीं थे। पेले तो ऐसा था कि जैसे आप सामने किसी खुदा को, फुटबॉल के खुदा तो थे ही भाई, है ना। और वैसे भी उन्हें मान लो, क्योंकि एक जिज्ञासा होती है, एक उत्साह होता है कि कभी यार इस आदमी के दर्शन हो जाए, बस मज़े आ जाए। जैसे हमारे टाइम आपने देखा हमारे यहाँ क्रिकेट है तो सचिन तेंदुलकर, कभी गावस्कर होते थे कि गावस्कर की एक झलक देखने के लिए लोग मरे जा रहे हैं क्रिकेट के शौकीन जो है। ऐसे पेले था, पेले सबका हीरो था, फुटबॉलर्स का तो था ही, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन वगैरह वगैरह जो भी गेम खेलते हैं, जो नहीं भी खेलते उनके भी हीरो थे, वो सुपर हीरो थे दुनिया के। यकीनी तो बस जैसा राजन सजवान साहब कह रहे हैं सुपर हीरो, जैसा मैंने पीछे अपनी वीडियो में बताया भी था, बिल्कुल उस बात को आगे बढ़ाया जैसा मैंने भी कहा था, फुटबॉल का भगवान उन्हें कहा जाता है पेले को। उनका जाना फुटबॉल के लिए एक बड़ी खला पैदा कर गया है। यकीनी तौर पर आज फुटबॉल के चाहने वालों, फुटबॉल के जानने वाले, फुटबॉल को देखने वाले दुखी हैं। सजवान साहब आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। आपके चैनल के लिए शुभकामना। थैंक यू सर।